मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्व तरीके से आपके सामने रखा कि किस तरह से यह सरकार मेरा नाम रियाज अहमद है। अच्छा। मैं तेलंगाना स्टेट का हिंद मजदूर सभा का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। जंतर मंतर आज पहुंचे हैं कांग्रेस आदिवासी कमेटी यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? उनको सपोर्ट करने के लिए हम बैठे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट स्वदेशी 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 के नाम पे गद्दी पे बैठ के विदेशियों को लेके आके स्वदेशियों को कुंदल दे रहे हैं। फर्स्ट पहला अटैक किनके ऊपर हुआ? जिसके फार्मर्स के ऊपर हुआ। दूसरा अटैक वर्कर्स के ऊपर हुआ, एम्प्लॉयज के ऊपर। तीसरा अटैक मणिपुर वालों के ऊपर हुआ। अगर यही कंटिन्यू ऐसा हुआ तो इसके देश में है सो लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो पूरे हिंदुस्तान को जो देशभक्त लोग को कुंदल के देश के दुश्मनों को लाके देश में बिठाएगा, देश को बेच देगा। इसलिए हिंद मजदूर सभा, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के तरफ से हम भी इनके मदद कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जितना भी बड़ा अधिवेशन हुआ और हंगरसा हुआ, कुछ भी हुआ, तो उनके साथ में HMS रहने के लिए हम तैयार है। वर्कर्स को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। रेलवे कोल, मैं रेलवे का भी हूँ, कोल इंडस्ट्री में है, WCL और डॉक एंड पोर्ट में है हमारा यूनियन, नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल HMS और ट्रेड सपोर्ट करेगा। बीजेपी के खिलाफ काम करेगा। देश को बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान को खुंदलने की कोशिश कर रहा, संविधान खुंदलने के बाद देश में कोई नहीं रहेगा। ठेकेदारी सिस्टम फिर आएगी, एक्सप्लॉयटेशन होगा, कोई एक आदमी सीधी तरह से जीने का मौका नहीं रहेगा। इसलिए ये बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है। 2024 को किस तरह से देखते हैं सर? 2024 में एम्प्लॉयज पूरे बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस को अल्टरनेट कुछ नहीं है, कांग्रेस को जिताएंगे। 2024 में एम्प्लॉयज और इंडस्ट्रियल वर्कर्स, माइनॉरिटीज, क्रिश्चियंस, आदिवासी लोग, हर एक लोग, SC ST लोग कांग्रेस को जिताने की कोशिश करेंगे, जाने को जाके छोड़ेंगे। लगातार पिछले दो महीनों से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने उस पर प्रतिक्रिया दी अपनी, लेकिन दो महीने के बाद ये तो गवर्नमेंट का एक्शन है। गवर्नमेंट क्यों बात करेगी? मोदी जी के आदमी खुद कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, तो मोदी जी क्यों बात करेंगे? इसलिए उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज मणिपुर वाले आ गए, उसका सपोर्ट के लिए हम आए। जंतर मंतर के संबंध से वर्ष के देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जंतर आज मणिपुर में हुआ, कल आपके ऊपर भी होगा, इसलिए मणिपुर को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, सब एक होना, सब एकता के लिए हम संदेश दे रहे हैं, सब मिलजुल के बीजेपी गवर्नमेंट खड़ा।